नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी पारा हाई है। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होनी है, मगर उससे पहले ही उठक पटक का दौर शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। उनके बेहद करीबी माने जाने वाले जीतन राम मांझी अब महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब जीतन राम मांझी नई राजनीतिक संभावनाएं तलाशने के लिए दिल्ली निकल पड़े हैं और वहां गृह मंत्री अमित शाह से मिले। लोकसभा चुनाव से पहले यह मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में एचएएम की वापसी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जीतन राम मांझी अपने बेटे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री रहे संतोष सुमन के साथ पहुंचे थे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और बीते सोमवार को राज्यपाल से नीतीश कुमार से अपने समर्थन वापसी का पत्र सौंपा था। संतोष सुमन ने समर्थन वापसी पत्र सौंपने से पहले क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। अभी आपको हम इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, हमारे संरक्षक महोदय और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग ने आज डिसाइड कर लिया। हमारा विकल्प खुले हुए हैं, हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर उधर से हम लोग को बुलावा आया एनडीए की तरफ से, तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन हम थर्ड फ्रंट की बात भी करेंगे। और बहुत सारे लाइक माइंड पार्टियां हैं और कुछ बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमारी बातें होगी। और सब बातों पर विचार करने के बाद 3-4 दिन के अंदर में हम लोग निचोड़ पर पहुंचेंगे और उस निचोड़ जो फलाफल होगा आपको खबर कर देंगे। आज का जो हम लोग का विषय है, हम लोग सभी साथी जो यहाँ बैठे हुए हमारे माननीय सदस्य विधायक जो हैं, हमने सरकार का समर्थन दिया था, लिखित समर्थन दिया था। हम महामहिम महोदय राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा है और आज संभवतः 5 बजे या 6 बजे का समय मिलेगा। जिस समय मिलेगा हम लोग सब लिखित तौर पर जाकर के सरकार से अपना समर्थन वापसी के लिए हम लोग आज चले जाएंगे। ये बातें आपको बता रहे हैं। बाकी आगे की जो भी रणनीति होगी, अभी 2-3 दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि हम लोग मंथन करेंगे और मंथन करके सारे बिंदुओं पर चर्चा करके जो आज निकला है और जो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है, उस अधिकार को मैं करके 3 दिन के अंदर में। एक ओर जहां जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग होने के बाद दिल्ली पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कई वरिष्ठ नेताओं ने जेडीयू का दामन थामा। जेडीयू ऑफिस में हुए मिलन समारोह में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेताओं ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी का सदस्यता ग्रहण की। अब बिहार की राजनीति आने वाले समय में किस ओर करवट लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा।